गाइस hey माहौल जबरदस्त शानदार आई होप सरकार रिवीजन आपका मस्त चल रहा है पढ़ाई अच्छी हो रही है एंड दीज लेक्चर्स आर हेल्पफुल फॉर यू गाइस सरकार क्या लिखा है कर हर मैदान फतेह ये फतेह आपकी होगी अगर आपने इस वक्त को शानदार तरीके से यूज किया है अगर आपने इस टाइम को बेस्ट वे में अगर यूज किया है विद कॉन्फिडेंस के साथ माहौल के साथ तो सर माहौल बनने वाला है क्योंकि सर लोग बोलते हैं कि अपना टाइम आएगा मैं कह रहा हूं आपका टाइम आ गया है लगा दो पूरा दम क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं अभी आपने अगर अच्छी मेहनत करी तो सर ये आपका टाइम चल रहा है मस्त वाली मेहनत कर दो सर रिजल्ट बहुत शानदार आने वाले पर आपकी मेहनत बहुत जरूरी है आइए मालिक हम चैप्टर नंबर फोर की तरफ बढ़ते हैं वैल्यू ऑफ सप्लाई सेक्शन नंबर आपके सिलेबस में आता है रूल्स आपके सिलेबस में नहीं आते सर सेक्शन फिफ्टीन सब सेक्शन बोलता है क्या सर

ब्ला 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 हो कोई सेस हो कोई चार्ज हो कोई भी हो एनी अमाउंट ऑफ टैक्स क्लियर सर वो सब वैल्यू में इंक्लूड करना है अगर आपने प्राइस के अलावा ये सब भी पे किया है सप्लायर को तो ये सब भी ऐड करना है एक्सेप्ट सी एसजीएसटी एस जीएसटी आई जी एस टी टी और जीएसटी कंपनसेशन अच्छा देना बेटा सर जैसे तंबाकू टॉबेको पर एक्साइज भी है क्लियर तो को भी एक्साइज है तो एक्साइज का अमाउंट पहले वैल्यू में एड करो उसके बाद जो वैल्यू आएगी उस पर लगेगा जीएसटी बेटा क्लियर अच्छा पर इनकम टैक्स में जो तो टीसीएस करता है क्या बेटा टीसीएस सर फॉर एग्जांपल सर आपने किसी शोरूम से ज्वेलरी परचेज करी सर पंद्रह लाख की ज्वेलरी परचेज करी उस पर वन परसेंट टीसीएस कलेक्ट करना पड़ता है सप्लायर को तो मैं शोरूम वाला हूं मैं आपसे पंद्रह लाख प्लस पंद्रह हजार टीसीएस कलेक्ट करूंगा तो टीसीएस इज नॉट अ लेवी ऑफ टैक्स ऑन गुड्स क्लियर तो यहां पे पंद्रह लाख पंद्रह हजार आपसे लिया है शोरूम वाले ने फिर भी वैल्यू ऑफ सप्लाई पंद्रह लाख ही होगी टीसीएस इज नॉट अ टैक्स इज ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स ऑफिस और बहुत इसलिए उसको वैल्यू में इंक्लूड नहीं करना है टीसीएस को बेटा ओके सर फिर आइए क्या अगर कोई एक्सपेंस मैं पहले क्लोज नंबर बी और सी ये दोनों साथ में पढ़ा रहा बेटा पहले सी पढ़ा रहा इंसिडेंटल एक्सपेंस विच द्लायर सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स ऑफिसर बोथ अगर कोई सप्लाई करने के लिए सर कोई एक्सपेंस सप्लायर को इंकर करना है तो ऐसे केस में वो एक्सपेंस सप्लायर ने इंकर किया और कस्टमर से बिल में अलग से चार्ज करके अलग से और रिकवरी किया तो वो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा जैसे पैकिंग चार्ज डिजाइनिंग चार्ज इंस्टॉलेशन चार्ज सर एनी एक्सपेंस विच सप्लायर वो सपोज टू इंकर टू सप्लाई द गुड्स और बोथ विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई क्लियर वो भी वैल्यू में इंक्लूड करना है क्लियर पर अगर मान लो वो एक्सपेंस जो सप्लायर को इंकर करना था टू सप्लाई द गुड्स और और बोथ वो एक्सपेंस डायरेक्ट ड्रेसी नहीं थर्ड पर्सन को पे कर दिया तो दैट एक्सपेंस विल आल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ वैल्यू सप्लाई और उसको भी वैल्यू में इंक्लूड करेंगे इस पर क्लॉज नंबर बी क्लियर एग्जांपल देता मैं आपको मैंने जो लेक्चर में दिया वैसे ही सर जैसे मैं कोई गुड्स बेचता हूं जैसे मैं मार्केट मैन्युफैक्चरर हूं मैंने मार्केट बनाकर आपको बेचा और ऐसे केस में एफओ आर बेस डिलीवरी एफआर मतलब कस्टमर के डोर तक मेरे को डिलीवरी करना है वहां तक जिम्मेदारी मेरा है तो सर वैल्यू ऑफ गुड्स मान लो मैंने लिखा है कितना वन थाउन्न रूप फॉर डिलीवरी चार्ज सर, थाउजेंड था। के अलावा मैंने डिलीवरी चार्ज या ट्रांसपोर्टेशन चार्ज शिपिंग चार्ज लिखा दो सौ रुपए अलग से क्लियर सिंस बेस डिलीवरी थी कस्टमर के हाथ तक मुझे डिलीवरी करना है तो वो दो सौ रुपए से रिकवरी किया, था। थाउजेंड प्लस टू हंडायर ट्वेल्व क्योंकि नहीं कर पाता पूरा बारह इज द वैल्यू सप्लाई ऑफ मार्कर पूरे पे टैक्स लगेगा अब मान लो एर बेस डिलीवरी है पर सौ रुपये जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज था वो डायरेक्ट रेसिपे थर्ड पर्सन को पे कर दिया तो अभी टू हंड्रेड विल बी वैल्यू ऑफ वैल्यू विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई बारह सौ जीएसटी लगेगा क्लियर मतलब सप्लायर खुद इनकर बिल में लग से डायरेक्ट थर्ड पर्सन को पे कर दिया हमें कंसर्न नहीं है अगर कोई एक्सपेंस द सप्लायर एक्सपेन्सर सपोज टू इंकर वो सप्लायर ने इंकर किया ये रेसिपेंट ने इंकर किया, वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनेगा क्योंकि अल्टीमेटली कस्टमर की पॉकेट से गया तो वैल्यू का पार्ट बनेगा बच्चों क्लियर डन पर अगर मान लो यही एक्स वर्क बेस पर कॉन्ट्रेक्ट होता है एक्स फैक्ट्री बेस पे कॉन्ट्रेक्ट होता मतलब सर <coughs> कोई एक्सपेंस जो मुझे इंकर कर, नहीं करना था क्लियर और सर वो एक्सपेंस अगर इंकर करके मैंने कस्टमर से रिकवरी किया एज अ प्योर एजेंट तो सर वो वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट नहीं बनता है वो हम पढ़ेंगे कस्टमर से रिकवरी किया तो वो भी वैल्यू का पार्ट बनेगा या कस्टमर ने डायरेक्ट थर्ड पे कर दिया क्लियर तो भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनता है बच्चा वो फिर सरकार अगर आपने ओवर अबाउट द प्राइस कुछ इंटरेस्ट डिलेट पेमेंट चार्जेस लेट पेमेंट फी भी रिकवरी किया तो वो भी वैल्यू सप्लाई का पार्ट बनता है उसको भी सर वैल्यू इंक्लूड करते हैं उस उसमें भी जीएस लगता है बच्चों और हाँ इंटरेस्ट के लिए क्वेश्चन अगर कुछ भी नहीं बोला अलग से और ये लिखा है कि इंटरेस्ट रिसीव्ड रुपीज टेन थाउजेंड मान लो या जो भी अमाउंट है क्लियर इंटरेस्ट रिसीव्ड तो सर ध्यान वो अमाउंट जो होगा उसको इंक्लूसिव जीएसटी मानने का एग्जाम के ध्यान रखना बेटा पर अगर क्वेश्चन ने अलग से फिगर दे दिया कि यहाँ पर जो फिगर दे रखे वो सारे विदाउट है जीएसटी अलग से है तो सर बात अलग होगी अदरवाइज इस, इस इंटरेस्ट को जीएसटी का इंटरेस्ट को इंक्लूसिव जीएसटी मानिएगा बेटा देन सर एनी सब्सिडी सर अगर आपको ओवर एंड एन द प्राइस कस्टमर्स ओवर एंड द प्राइस सब्सिडी भी रिसीव हुई है

आफ्टर द प्राइस जो दे रखा है ना ऊपर लिस्ट प्राइस वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड इट इज आफ्टर कंसीडरिंग द सब्सिडी इसका मतलब क्या है ओरिजिनल प्राइस एक लाख पचास हजार थी और एक लाख बीस हजार आफ्टर कंसीडरिंग सब्सिडी है बेटा क्लियर सर क्योंकि तीस हज़ार सब्सिडी मिल रहा है किसी और से इसलिए आपने कस्टमर से प्राइस एक लाख बीस हजार ही लिया है तो सर अब ऐसे केस में सिंस दिस सब्सिडी वाज लिंक्ड विद द प्राइस क्लियर इस सब्सिडी को भी वैल्यू ऑफ सप्लाई का पार्ट बनाएंगे और अल्टीमेटली एक लाख बीस हजार प्लस तीस हजार एक लाख पचास हजार अल्टीमेट वैल्यू ऑफ सप्लाई और उस पर जीएसटी लगेगा पर अगर ये सब्सिडी दी होती सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने तो ऐसे केस में एक लाख बीस हजार जीएस लग

फर्स्ट डिस्काउंट विच इज गिवन एट द टाइम ऑफ सप्लाई मतलब जब आप सप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे उससे पहले आपने डिस्काउंट दिया और वो डिस्काउंट आपने बिल में इंडिकेट किया है तो सर ऑब्वियसली वो डिस्काउंट कस्टमर को पास हो गया जो नेट वैल्यू आएगा आफ्टर कंसल्टिंग डिस्काउंट वो ही वैल्यू सप्लाई होगा और इस डिस्काउंट को एक्सक्लूड करेंगे फ्रॉम द वैल्यू ऑफ सला बेटा और नेट वैल्यू पे ही जीएसटी पे करना है क्लियर डन पर सर अगर अगर सर डिस्काउंट पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट था क्या था बेटा डिस्काउंट वाज पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट मतलब आपने सप्लाई करने के बाद डिस्काउंट दिया कस्टमर को तो ऐसे केस में वो डिस्काउंट के लिए बाद में सप्लायर क्रेडिट नोट इश्यू करेगा पर सर वो डिस्काउंट की वजह से वैल्यू कम हो जाएगी क्रेडिट नोट के थ्रू पर उसकी कंडीशन फर्स्ट सर क्रेडिट नोट जो इश्यू करो इट शुड भी लिंक विदेस जिस इनवॉइस के लिए आप डिस्काउंट दे रहे हो वो इनवॉइस नंबर लिखना पड़ेगा मल्टीपल के लिए सिंगल क्रेडिट नोट कैन आल्सो बी इश्यूड सेकंड सर एट द टाइम ऑफ सप्लाई जब ओरिजिनली आपने सप्लाई किया था तब ये पता होना चाहिए कि ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा तो डिस्काउंट मस्ट बी नोन एट द टाइम ऑफ रिमूवल जब आपने सप्लाई किया था तो डिस्काउंट मस्ट बी नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई की ऐसा होने पर डिस्काउंट मिलेगा क्लियर एंड सर थर्ड जो आपने क्रेडिट नोट इशू किया है उसके बेस पे आपकी जो जीएसटी लाइबिलिटी कम हुई है उतना प्रपोशन आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट रेसिपेंट को रिवर्स करना पड़ेगा अगर उसने आईटीसी लिया था तो बेटा क्लियर तो ऐसे केस में वैल्यू सप्लाई से एक्सक्लूड हो जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं पर मान लो आपने सप्लायर ने एडोक बेस पर डिस्काउंट दिया सप्लाई होने के बाद में बेस डिस्काउंट दिया मतलब जब ओरिजिनल सप्लाई कर रहा था तब यह नहीं पता था कि ऐसा होने डिस्काउंट मिलने वाला है तो ऐसे केस में केवल फाइनेंशियल क्रेडिट नोट इशू किया जाएगा जीएसटी वाला क्रेडिट नोट इशू नहीं किया जाएगा ऐसे केस में जीएसटी के पर्पस के वैल्यू में से वो डिस्काउंट एक्सक्लूड नहीं होता है क्लियर डन सर यह सेल्स प्रमोशन स्कीम्स के बारे में यह समझा रखा है सर सबसे पहली बात स्केट स्टेगर्ड स्टेगर्ड डिस्काउंट मतलब बाय मोर सेव मोर ऑफर होता ना सर अगर आपने एक शर्ट परेस किया तो सर दस परसेंट डिस्काउंट दो शर्ट परचेज किए तो ट्वेंटी फाइव परसेंट डिस्काउंट तीन शर्ट परचेज किए तो फोर्टी परसेंट डिस्काउंट होता है ना सर बाय मोर सेव मोर ऑफर या फिर सर ये तो क्या हो गया ये डिस्काउंट हो गया जब आप परचेज करो तभी डिस्काउंट मिल रहा है ऑन स्पॉट तो ऐसे केस में कैश उसी टाइम डिस्काउंट मिल रहा है आपको तो बिल में से लेस हो जाएगा नेट वैल्यू पे जी लगेगा पर सर ऐसा लिख रखा है क्या साल भर में अगर आपने स लाख रुपए का परचेज किया तो पांच परसेंट डिस्काउंट साल भर में पंद्रह लाख का परचे किया तो सेवन परसेंट डिस्काउंट साल भर में बीस लाख का परेस किया तो दस परसेंट डिस्काउंट तो सर बाय मोर सेव मोर ऑफर इस तरह का तो ऐसे केस में कितना परचेज किया तो साल के एंड में पता पड़ेगा ना यार तो ऐसे केस में सिंस इट वॉज नोन एट द टाइम ऑफ सप्लाई कैसे होने पर डिस्काउंट मिलेगा तो ऐसे केस में मल्टीपल यूनिवर्सिटी के लिए सिंगल क्रेडिट नोट इशू करके आप वैल्यू में से एक्सक्लूड कर सकते हो और जो जीएसटी की लाइविलिटी आपकी कम हो जाएगी क्रेडिट नोट की वजह से उतना प्रपोशन आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है ये पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट से सेक्सक्लूडिबल है सेकंड उंट और एंडिंग डिस्काउंट और वॉल्यूम डिस्काउंट बेटा सर जो मैंने आपको समझाया वो ये बेटा क्लियर ये और इसके मोर uh, से उम्र तो ऑन द स्पॉट आप डिस्काउंट और ईयर डिस्काउंट एक्साम्पल दिया वो हो गया बेटा ऐसे में वैल्यू एक्सक्लूड स्पॉट आपने डिस्काउंट दिया दिस आर शोन ऑन इनवॉइस इटसेल्फ वैल्यू एक्सक्लूडिक्ल दिया साल भर में इतना परचे किया तो डिस्काउंट तो क्रेडिट के बेस पे

सर आपने वैल्यू ऑफ द गुड्स लिख दिया मान लो एक्सपायर क्लियर अब अलग से एक्सपेंसेस ये और दे रखे अलग से पॉइंट और दे रखे क्या करना इंक्लूड करना है कि नहीं करना कंसल्टेंसी चार्जेस इन रिलेशन टू इंस्टॉलेशन यस ऐड करना डिजाइनिंग ड्राइंग इंजीनियरिंग चार्ज ऐड करो टेस्टिंग चार्जेस ऐड करो फ्रेड फ्रॉम सेलर्स प्रोमैसेज टू बायर्स प्रमाइस ऐड करो अगर क्वेश्चन कुछ नहीं बोला तो माने एफ और बेस डिली डिलीवरी और वैल्यू का पार्ट बनेगा इंश्योरेंस चार्ज ऐड करो पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेट पेमेंट ऐड करो इंटरेस्ट और पेनल्टी विच इज चार्ज बाय सेलर फॉर डिलेट पेमेंट बट वेड लेटर ऑन अल्टीमेटली रिसीव नहीं होना रिस वैल्यू का पार्ट बनता है और तो ही टाइम सप्लाई आता है बेटा क्लियर सर इंस्पेक्शन चार्जेस एड करो लोडिंग वेगमेंट चार्जेस प्राइमरी पैकिंग प्रोडक्टिव पैकिंग सेकेंडरी पैकिंग सब कुछ ऐड करो बेटा सब्सिडी विच इज डायरेक्टली इन रिलेशन टू प्राइस

रेफर मतलब किए जाएंगे बेटा पे। प्लस गवर्नमेंट पास पावर है और वहां पर वैल्यू गवर्नमेंट जो डिफाइन करेगी उस उसके लिए सिलेबस में नहीं आते हैं हम पढ़ेंगे बात में, पे तब हम बात करेंगे बेटा। क्लियर? तो सर सेक्शन फोर फिफ्टीन फाइव भी खत्म होता है अब केवल इंट्रोडक्शन रखा है देखिए आपके लिए एक शानदार वाली बात लिखी क्या सी ए स्टडी कोर्स इन इंडिया इज नॉट द टफेस्ट स्टडी कोर्स लोग क्या बोलते हैं सीए सबसे नहीं ये टफ नहीं है इट इज देम हु आर दफेस्ट हुफ नहीं है ये टफ लोगों पूरी मेहनत कर रहे हो पूरा दम लगा दोगे सर और देखना कामयाबी आपके चरण छुएगी ऑल द बेस्ट माहौल बनाइए खुश होकर पढ़िए विच इज मोर इंपोर्टेंट लव लॉट हैप्पी रहिए एंड सर ऑल थैंक्स टू गॉड जिन्होंने हमको ये जिंदगी दी और हम हमारा ये काम है कि हम पूरी अपनी मेहनत करें और इस हमारी लाइफ को हमारी लाइफ को सक्सेसफुल बनाए अपने पेरेंट्स के लिए हमारी फैमिली के लिए हमारे दोस्तों के लिए ऑल बेस्ट लव यॉड आर ऑल विशेष आर फॉर गाइज माहौल जबरदस्त शानदार बाय